नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 22 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा बचत खाता योजना लॉन्च की गई है। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 6 जुलाई 2020 को 10 साल से अधिक एवं 18 साल से कम उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए बचत खाता भविष्य योजना लॉन्च किया गया है। इसमें बच्चों की जरूरत को ध्यान में रखकर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ये सुविधा शुरू की है। इसके बाद अन्य राज्यों में भी लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पहला निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का यह पहला सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है, जबकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई है। हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप में अलग अलग टीमें बनाई जाएगी और यह टीमें पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करेगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष से आएगा? तो 2023 में पहला सेट निजी ट्रेनों का आ जाएगा। रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके मुताबिक 12 ट्रेनें होगी। सभी 151 ट्रेनों को 2027 तक पेश कर दिया जाएगा। अगला है सवाल, मशहूर कॉमेडियन जगदीप ने 1975 में आई शोले फिल्म में किस किरदार से नाम कमाया? तो सुरमा भोपाली के नाम से कॉमेडियन जगदीप ने नाम कमाया था। भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर कॉमेडियन जगदीप जाफरी का 8 जुलाई को मुंबई में निधन हो गया था। उन्होंने 1975 में आई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाकर काफ़ी नाम कमाया था। अभिनेता जगदीप का वास्तविक नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। उन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस नाम से अभियान चलाया है? तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु के नाम से अभियान चलाया था। कोरोना महामारी के चलते भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान चलाया गया था। 5 मई 2020 को शुरू हुए इस 55 दिन के अभियान में भारतीय नौसेना विदेशों से 3,992 भारतीय नागरिकों को वापस लेकर आई। अगला प्रश्न है, शेडोंग बिनानी रोगन सीमेंट में अपनी पूरी 92.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किस भारतीय कंपनी ने किया? तो कृष्णा होल्डिंग ने 92.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट कंपनी की सहायक कंपनी कृष्णा होल्डिंग्स ने चीन के शेडोंग बिनानी रोगन सीमेंट में अपनी पूरी 92.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। कंपनी अपनी पूरी इक्विटी हिस्सेदारी 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचेगी। दुनिया तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनने जा रहा है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा
क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनने जा रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। यह स्टेडियम 100 एकड़ ज़मीन में बनेगा। इस पर करीब 350 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। स्टेडियम का निर्माण राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA करवाएगा। इस स्टेडियम में 175,000 दर्शक बैठ सकेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो यह अवधि 4 साल के लिए निश्चित कर दी गई है। भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब 4 साल की होगी। खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने यह फैसला किया है। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी असर पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनज़र सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।